अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी, आपकी माशी तरजीहात क्या होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात है, अपनी आमदन में इजाफा करें, अपना कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें। उसके साथ है, हर महीने कुछ ना कुछ बचत करें, जो कुछ आप कमाएं उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर बचाएं। साइड से हमारे पास जो चीज़ आती है वो हर तरह के कर्ज से निजात हासिल कर लें। जब आपका लेन देन और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आप अपने बिज़नेस में बहुत ग्रो करेंगे, या फिर जो कोई आपकी सैलरी है वो आपकी सारी की सारी बचत रहेगी, आपके अपने इस्तेमाल में आएगी। चौथी चीज़ जो है वो है, अपने ज़ाती घर के लिए कोशिश करें। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपका अपना घर नहीं है, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैंने इस चीज़ के लिए सेविंग करनी है या मैंने इस चीज़ के लिए ज़्यादा कमाना है कि मैं अपने एक ज़ाती घर ले सकूं। जब आपका ज़ाती घर होता है, आपके किरायों से जान बच जाती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी जान बच जाती है, तो आपके खर्चे जो हैं इन चीज़ों के कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, कोई ना कोई माली असासा बनाएं। माली असासा कैसे बनाएं? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्लॉट ख़रीद लें अभी, या कोई सोना ख़रीद के रख लें थोड़ा बहुत, कि जब उसकी कीमत ज़्यादा हो तो उसको बेच दें। कोई प्लॉट रख लें, जब उसकी कीमत ज़्यादा हो तो उसको बेच लें। इस तरह से अपने कोई ना कोई माली असासा जो है वो बना के रखें। अपना कारोबार अपने बच्चों को मुंतकिल करें। अपना एक ऐसा बिज़नेस सेटअप ज़रूर बताएं जो आप अपने बच्चों को भी दें, जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। फिर है जी, पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। माशी तरजीहात मतलब आपकी ज़िंदगी में आपने ऐसा कोई काम या ऐसा आपका बिज़नेस होना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरे, टेंशन में ना हो। जो लास्ट पॉइंट है, दूसरों की मदद करें। जो देने वाला हाथ होता है अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा से नवाजता है, इसलिए अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा देने वालों में रखे, लेने वालों में ना रखे। तो जितना हो सके दूसरों की मदद करें अपने पैसों में से, ताकि अल्लाह ताला आपके पैसों में और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा सुकून दे। अपनी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।